हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही सुंदर वेरीगेटेड प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम है एरेंथिमम, और ये वेरी इसकी जो है काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं। और इसके जो है इस प्लांट के जो है लीव्स रेड, वाइट और ग्रीन कलर के आते हैं, और ये फुल समर में भी अच्छा ब्लूम करता है, और विंटर्स में भी बहुत अच्छा इसके ऊपर जो है इसके ऊपर वेरिगेशन बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है फॉर एवर प्लांट है। कभी भी ये जो है प्लांट किसी भी सीज़न में डॉर्मेंसी वगैरह में नहीं जाता। विंटर्स में इसकी थोड़ी सी जो है ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही जो है ये भी है, इसे हम पर्पल एरेंथिमम कहते हैं, क्योंकि इसके जब लीव्स आते हैं, अभी आज थोड़ा सा वेदर रेनी डे होने की वजह से जो है ना इसके कलर का इतना इफेक्ट नहीं लग रहा, लेकिन जब सन जिस दिन फुल सन होता है उस दिन जो है इसके सारे के सारे लीव्स जो है पर्पलिश कलर के दिखते हैं। जैसे कि आप पास से देखिए, जो इसकी जो न्यू शूट्स निकल रही हैं, न्यू लीव्स निकल रही हैं, वो पर्पलिश हैं, लेकिन पुरानी लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की हैं। लेकिन जब फुल सन होता है तो ये जो है इसके ऊपर जितनी सन की रेज पड़ती हैं, सनलाइट पड़ती है, उतना ही ये पर्पल कलर का इफेक्ट दे के चलता है। इसकी और भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, ऐसे ही ब्लैक एरेंथिमम भी आता है, उसकी और भी लीव्स थोड़ी और डार्क होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपके साथ जो है इस एरेंथिमम प्लांट की केयर वगैरह के बारे में जो है वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही ईजी टू मेंटेन प्लांट है, और इस प्लांट को हम कभी भी किसी वक्त भी कटिंग से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा एक छोटा सा पॉट है 6 इंच का, जिसमें मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है। अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में तो बहुत सारे प्लांट्स की हम कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये एक एरेंथिमम ऐसा प्लांट है, इसकी हम कभी भी पूरे ईयर अराउंड द ईयर कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और इसको ज़्यादा स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको अगर हम फुल समर में लगा, फुल हीट में भी लगा के चलते हैं, तो उस वक्त उस टाइम पे हमें बस इसको पानी देने की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर इसको हम रेगुलर टाइम पे पानी देते हैं, इसकी सॉइल को ड्राई नहीं होने देते, तो फिर ये प्लांट जो है अच्छी समर भी टॉलरेट कर लेता है। और इसकी कटिंग भी कभी भी किसी वक्त भी हम लगाते हैं, तो जब हम कटिंग लगाते हैं किसी भी पॉट में या इसी पॉट में, तो हमें वैसे तो शेड में कटिंग लगा के रखनी चाहिए, तो हमें जो है इसकी ऊपर की जो सॉफ्ट कोई भी स्टेम है उसकी कटिंग लगा के कम से कम उसके नीचे जो है 3-4 उसकी जो है रूट नॉट्स नॉट एरिया होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, ये मेरी पतली सी एक है स्टेम, और मैं इसको अगर कटिंग इसकी तोड़ती हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जैसे मैंने कटिंग तोड़ दी, और मैं इसकी जब नीचे की लीव्स हटाऊँगी, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जब इसकी नीचे की लीव्स यहाँ से इसकी हटाऊँगी, ये तो फ्रेंड्स, नीचे की लीव्स हम हमेशा इसलिए हटा के चलते हैं कि ताकि जो है किसी तरह का कोई फंगस अटैक ना करे। और इसको मैं इसी प्लांट के अंदर इसको अच्छी तरह दबा दूंगी, तो थोड़े दिनों के बाद 15 डेज में जो है ये अपनी स्टेम्स जो है अपनी जड़ें पकड़ लेता है। फ्रेंड्स, ये थोड़े दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो इसको देखिए, इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं कि रेनी सीज़न में हम राउंड द ईयर किसी वक्त भी इसकी कटिंग लगा के चलते हैं तो ये अपनी कटिंग जो है रूट्स पकड़ लेता है। बस इसका एक मेन इसका वो है कि जब भी कटिंग लगाई जाए तो इसको शेड में लगाया जाए, इसके ऊपर जो है ज़्यादा हीट नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो जो है स्टेम्स वीक हो जाती हैं और उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, इसको इसका कोई स्पेशल वो नहीं है कि इसको स्पेशल ग्रोथ के लिए इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह दिया जाए। जैसे हम और प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं साल में 2 बार, एक स्प्रिंग में और एक जो है जब हमारा ऑटम आता है उस वक्त अगर हम फर्टिलाइज़र देते हैं, और एक बार हम अपने पॉट के अंदर जब इसको अच्छे से कोई कंपोस्ट वगैरह डाल के रखते हैं, तो वही सफिशेंट है। और इसको जितना हम प्रूनिंग करते जाएंगे उतना बुशी होता जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई स्टेम, वो बहुत ही लेगी सी हो रही थी, अब ये वाली स्टेम देखिए, इसकी मैंने ऊपर से प्रूनिंग की हुई है तो ये काफ़ी थिक हो गई है। और इसके ऊपर जो है ना एक एक उसमें से ये देखिए, ये इस स्टेम ने अपना जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, और इसने अपने 2 शूट्स निकाल ली हैं। फ्रेंड्स, ऐसे जैसे ये है, इसकी भी मैंने ऊपर से कटिंग करी थी, इन्हीं की मैंने यहाँ से देखिए सेंटर से कटिंग करी थी, ये देखिए, और जो है इसने 2 शूट्स निकाली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्लांट को अगर हम भी ऊपर से कटिंग करते जाते हैं तो ये बुशी भी होता जाएगा और प्लांट थिक भी होता जाएगा। जितना प्लांट की एज होगी उतना प्लांट की स्टेम काफ़ी थिक हो जाती है।
फ्रेंड्स, ये जो है मेरा प्लांट, इसके इस प्लांट से मैंने काफ़ी सारे अपने और भी प्लांट्स तैयार किए हैं। और इस तरह के प्लांट्स जो है वो अगर हम अपने अपने गार्डन में ऐड करके चलते हैं तो हमारे गार्डन की ब्यूटी को एक अलग ही ब्यूटीफुल लुक दे के चलता है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे गार्डन में ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, तो इस तरह से हम जब अपने गार्डन में फ्लावर्स या वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स ऐड करते हैं तो वो एक अलग ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर एक बार हम अपने घर में इस प्लांट को एक बार लेके आते हैं तो इससे हम बहुत सारे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको पानी जो है हमें विंटर्स में 2 या 3 दिन के बाद भी दे सकते हैं, और समर्स में हमें इसे डेली पानी देना चाहिए या फिर इसकी ऊपर की सॉइल ड्राई हो जाए। अगर इसको हम फुल सनलाइट में रख के चलते हैं और पॉट में हमारा लगा हुआ है तो इसको जो है हमें डेली वाटर देना चाहिए या इसके ऊपर जो है हमें मिस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टिंग से जो है ह्यूमिडिटी बनी रहती है और प्लांट जो है वो अच्छा ग्रोथ करता है। और फर्टिलाइज़र भी हम साल में इसको 2 बार दे सकते हैं। सॉइल इसकी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट्स हो, जितना वेल ड्रेन सॉइल होगी उसकी रूट्स उतनी ही ज़्यादा डेवलप होंगी, वो प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करके चलेगा। और वाटर भी हो गया, फर्टिलाइज़र भी हो गया, सॉइल भी हो गया। फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट के ऊपर कभी भी किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा। मेरे गार्डन में प्लांट 4 to 5 years हो गए और काफ़ी सारे मैंने प्लांट्स बना के रखे हुए हैं, तो मैंने कभी भी इस प्लांट के ऊपर किसी तरह का भी कोई पेस्ट या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं देखा। मुझे इस प्लांट के ऊपर कभी भी किसी तरह का कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये जो है अपने आप में एक लो केयर प्लांट है, और इस तरह के प्लांट्स हमें और ऐड करने चाहिए। इस प्लांट के ऊपर इसकी कटिंग से हम कैसे वीडियो कटिंग को हम कैसे लगाते हैं अभी भी मैंने इस वीडियो में बताया, और दोबारा भी मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि हम कैसे इसकी कटिंग लगाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्लांट भी जो है इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जब इसकी जो है सन रेस से पूरी इसके ऊपर जो है इसकी लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा, तो इस प्लांट की कैसे लुक निकल के आती है और उसकी केयर कैसे करी जाती है इसके और इसकी कटिंग हम कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मेरे इस एरेंथिमम प्लांट को लेकर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। बाय फ्रेंड्स। बाय।